अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम, आप देख रहे हैं मिल्की फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज भी एक आसान सी रेसिपी है, मैं आपको सिखा रहा हूं मिनी चॉकलेट टार्ट। बहुत सारी फरमाइश थी सर चॉकलेट टार्ट बनाना सिखा दें विद फिलिंग के साथ। चॉकलेट की फिलिंग बनाएंगे, टार्ट का प्रोसेस आपके सामने बनाता हूँ। मिनी यानी कि जो उसके मोल्ड होंगे वो बड़े छोटे से मोल्ड लेते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं, लेकिन हम मिनी बना रहे हैं। रेसिपी को ध्यान से देखना, कोई बीटर यूज़ नहीं करेंगे, हाथ से बनाएंगे ताकि आप लोग घर बैठे इजी बेकिंग कर सकें। रेसिपी की तरफ आते हैं और झटपट इसको बनाने लगे। चलिए, एक अदद बाउल आ गया, स्पैचुला ले लेते हैं। सबसे पहले आपने इसमें डालना है बटर, ठीक है, बटर डालेंगे रूम टेम्परेचर का। बटर लेना है आपने, घर का बटर भी यूज कर सकते हैं इसके। आइसिंग शुगर, घर की आइसिंग शुगर भी यूज हो सकती है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे, कोई बीटर नहीं यूज करेंगे। और ये मिनी टार्ट को आप, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसको आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं। मक्खन और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने, साथ ही जाएगा इसके अंदर वनीला पाउडर, ठीक है जी, वनीला पाउडर डाल देंगे। पिंच इसके अंदर हम डालेंगे नमक, फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर जाएगा एक अदद अंडा, अंडे को तोड़ लेते हैं बाउल के अंदर। ये भी मिक्स करेंगे, झटपट बनने वाली रेसिपी है बिना किसी टेंशन के। ये देखिए मिक्सर रेडी, मैदा डालेंगे और साथ ही डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर। ये मैदा आ गया, कोको पाउडर, इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको करेंगे ठंडा। चलें जी, ये हो गया रेडी। टेक्सचर चेक करें, इसको करते हैं ठंडा, फ्रिज में रखते हैं या फ्रीजर में रखते हैं। 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे, फिर इसको हम मिनी टार्ट के अंदर कैसे सेट करेंगे इंशाल्लाह वो प्रोसेस आपके सामने करूंगा। इसको मैं रखने लगा हूँ और इसको बॉल के अंदर ऐसे फैला देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मुलाकात होगी आपसे 10 मिनट के बाद। मिनी चॉकलेट टार्ट, अच्छा, आइसिंग शुगर 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, मैदा 230 ग्राम, अंडा एक अदद, वनीला पाउडर एक चुटकी, नमक एक चुटकी, कोको पाउडर 20 ग्राम, चॉकलेट फिलिंग, मिल्कीज फूड चॉकलेट 100 ग्राम, विपी विप विपिंग क्रीम 40 ग्राम। जी जनाब, ये हो गया ठंडा, ये देखें बहुत हार्ड हो गया। अब इसको निकालते हैं, हल्का सा मैदा टेबल पे छिड़केंगे, बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं, इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि जितना अच्छा ठंडा होगा तो ये टार्ट आपके उतने ही जल्दी बनेंगे।
चलो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, तो मिनी टार्ट है इसके मोल्ड ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, ये टार्ट उठाया आपने, बहुत ही आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे रखा ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको दोनों हाथ की मदद से, बड़ा टार्ट हो या छोटे टार्ट हो सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा इसको बनाने का। ये अंगूठे की मदद से आपने इसको एक जैसा, ये देखें, फिर आपके पास एक नाइफ होनी चाहिए कदर। चलिए अब क्या करना है आपने, को ऐसे, ये देख बेहतरीन लुक है, दोबारा बनाता हूँ। सो रोल करना है आपने इसको, ऐसे रखना है, और ये अंगूठे की मदद से, दोनों अंगूठे की मदद से आपने इसको पूरे शेल के अंदर, तो हम टार्ट शेल कहते हैं, सेम इसी तरीके से आपने ये सारे टार्ट भर देने हैं। चलें जी ये देखें ये हो गया। अब इसके बाद हम ये सारे टार्ट भर लेते हैं ठीक है, और फिर हम करते हैं इसको बेक। बेक करने के बाद इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग करेंगे। चले जी टार्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी। अब हम इसको करेंगे बेक, और बेकिंग टाइम मैं आपको बता दूं, मैं इसको 170 बेक करूंगा और तकरीबन 10 मिनट के लिए, और जब तक ये बेक होता है हम इसके अंदर जो चॉकलेट डालेंगे वो बना लेते हैं, ताकि ये जैसे बेक होके निकलेंगे तो इसकी हम फिलिंग कर देंगे। मैंने एक बॉल के अंदर मिल्की फूड की चॉकलेट ले ली, जिसको मैंने क्रश कर लिया, और हमारे पास वेपे वेप क्रीम है। अब इसको मेल्ट करेंगे चॉकलेट को, और इसके अंदर डालेंगे क्रीम, इसको मिक्स करेंगे, ये थिक हो जाएगी ठीक है। क्वांटिटी की आपने टेंशन नहीं लेनी, वीडियो के बीच में कार्ड मेंशन कर दिया जाता है, वो ज़रूर देखा करें। इसको मेल्ट कर लेते हैं। मिनी चॉकलेट टार्ट अज्जा, आइसिंग शुगर 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, मैदा 230 ग्राम, अंडा 1 अदद, वनीला पाउडर 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, कोको पाउडर 20 ग्राम, चॉकलेट फिलिंग मिल्कीज फूड चॉकलेट 100 ग्राम, व्हिपी व्हिप व्हिपिंग क्रीम 40 ग्राम। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, ये देखें, जाएगी इसके अंदर क्रीम। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लेनी क्रीम आपने, नॉर्मल टेम्परेचर की। अगेन इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, फिर आपने करना है इसको ठंडा। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया, टेंशन नहीं लेनी क्वांटिटी की, क्वांटिटी इंशाल्लाह मेंशन कर दी जाएगी, सिर्फ फोकस करना है आपने बन कैसे रही है। ये देखिए जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे ना, इसका टेक्सचर चेंज होगा, ये देखें। अब हम इसको करने लगे हैं ठंडा, जैसे ही ये ठंडा होगा इसको पाइपिंग बैग में कन्वर्ट करेंगे, नोजल डालेंगे, टार्ट तकरीबन रेडी हो चुके हैं, और फिर इसके अंदर कैसे हम डालेंगे इसको, क्या शेप देंगे, वो फाइनल लुक मैं आपको दिखाने लगा हूँ। चलो ये टार्ट हमारे पक चुके हैं, और ये ठंडे भी कर चुका हूँ मैं, इनको निकाल लेते हैं, और ये देखिए फाइनल लुक दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल ज़बरदस्त बन चुके हैं। दोनों साइड देखें आप इसकी, चॉकलेट भी तकरीबन ठंडी कर ली है, पाइपिंग बैग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको के बीच में कैसे पोर करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
चले जी, टार्ट जैसे कि मैंने बताया ठंडे हो चुके हैं, चॉकलेट जो मैंने बना के फ्रिज में रखी थी कन्वर्ट कर दिया पाइपिंग बैग के अंदर। अच्छा जी, चॉकलेट के साथ अपने हिसाब से इसको खूबसूरत बना सकते हैं, स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं इसके ऊपर विदाउट चॉकलेट के, जैसे कि मैं ये गार्निशिंग कर रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रख सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चॉकलेट टार्ट, मिनी टार्ट, जो बड़े टार्ट होते हैं वो सेम इसी प्रोसेस से, इसी रेसिपी से लगेंगे, ठीक है, बिना किसी टेंशन के बनाएं, ऑर्डर लें घर बैठे। चलें जी, जैसे कि मैंने बताया अपने हिसाब से इसको खूबसूरत बना सकते हैं, इस रेसिपी को आपने सेम ऐसे ही फॉलो करना है, हर तरह के टार्ट आप बना सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी टार्ट्स के अंदर रखा जा सकता है, इसकी अलग से फिलिंग बनती है चॉकलेट्स की, कोकोनट की, वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, और लेमन कर्ड वगैरह भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो टार्ट के जो प्रोसेस था वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कम्प्लीट। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियोस से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी इंशाल्लाह ताला अब हर घर में। तो हमें याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिनी चॉकलेट टार्ट अज्जा, आइसिंग शुगर 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, मैदा 230 ग्राम, अंडा 1 अदद, वनीला पाउडर 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, कोको पाउडर 20 ग्राम, चॉकलेट फिलिंग मिल्कीज फूड चॉकलेट 100 ग्राम, विपी विप विपिंग क्रीम 40 ग्राम। तरकीब, एक बोल में मक्खन और आइसिंग शुगर लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसमें वनीला पाउडर शामिल कर दें, अब इसमें अंडा शामिल करके मिक्स कर लें, इसके बाद मैदा और कोको पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें, अब इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, फ्रिज से निकाल कर मिनी टार्ट शेल में एडजस्ट कर दें, इन शेल्स को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक कर लें। चॉकलेट फिलिंग के लिए एक बोल में मिल्कीज फूड चॉकलेट मेल्ट कर लें, अब इसमें व्हिप क्रीम शामिल कर दें, इसके बाद फ्रिज में ठंडा कर ले। अब चॉकलेट फिलिंग को पाइपिंग बैग की मदद से टार्ट के ऊपर लगा दे। मिनी चॉकलेट टार्ट तैयार है, अपनी मर्जी से डेकोरेट कर लें।